हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट लॉस ढोकला की रेसिपी। तो आज हम ढोकला बनाएंगे और वो भी बहुत ही हेल्दी वर्जन ऑफ ढोकला जो आपको देगा सुपर वेट लॉस। तो इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये आपको देगा सुपर वेट लॉस। तो गाइस, ढोकला जो है वो बनता है बेसन से या फिर चिकपी फ्लावर से, जो कि बहुत ही फाइबर रिच है। फाइबर कंटेंट इसका काफ़ी अच्छा होता है, तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता। क्योंकि ये फाइबर रिच होता है, इसीलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ आपकी बॉडी में बाइंड करता है और उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करा देता है। तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, इसीलिए आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ग्लूटेन फ्री होता है, इसीलिए अगर आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं तो आप इसको बहुत ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में और आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी हाई होता है। अगर हम 100 ग्राम्स बेसन की बात करें तो उसमें होता है अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि है काफ़ी हाई। क्योंकि इसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत देर तक आपको फुल रखता है, सेशिएटेड रखता है, आपको क्रेविंग्स नहीं होने देता। इसका फोलेट कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। डायबिटिक्स के लिए जो बेसन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो कितना ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और कितना जल्दी जल्दी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी में जाके कम ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो डायबिटिक्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, मैं आपको बताती हूँ कि हेल्दी वेट लॉस ढोकला हमें किस तरीके से बनाते हो। ढोकला बना रहे हैं हम। एक यहाँ पे मैंने बोल ले लिया है, उसमें मैं ले रही हूँ बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर या चिकपी फ्लावर। अराउंड एक कटोरी मैंने बेसन ले लिया है यहाँ पे। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सूजी यानी कि रवा, अराउंड 1 टेबल स्पून के आसपास। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग यानी कि एसाफोटिडा। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा हमारे ढोकले का। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी दही, अराउंड 2 टेबल स्पून। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, बिल्कुल भी इसमें लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम, ये रूम टेम्परेचर पानी है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। एक बहुत ही स्मूथ हमने इसका बैटर बनाना है, बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए और पानी बहुत धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे ताकि बहुत पतला ये बैटर हमारा ना हो जाए। इसलिए ग्रेजुअली इसको हम मिक्स करते रहेंगे और जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस दैट क्विक एंड सिंपल। अब यहाँ पे मेरे पास ढोकले का मोल्ड है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर दूंगी, थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर ब्रश से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि हमारा जो ढोकला है वो उसके ऊपर स्टिक ना करे। अब इसके अंदर ये बैटर सारा का सारा मैं पोर कर दूंगी। अगर आपके पास ये मोल्ड या स्टीमर नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई नॉर्मल प्लेट जो थोड़ी सी डीप हो उसको यूज कर सकते हैं, और साथ में कढ़ाई या कोई भी डीप पैन यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप बना सकते हो। मेरे पास ये स्टीमर है, इसको मैंने गैस पे रख दिया है पानी डाल के। अब जो पानी है वो बॉयल हो चुका है यहाँ पे। अब इसके अंदर जो मेरा मोल्ड है ढोकले का वो मैं रख दूंगी, और अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगते हैं बस हमारा ढोकला जो है वो कुक हो जाता है। इसकी जगह पे आप बहुत इजीली एक प्लेट और एक कढ़ाई या डीप पैन यूज कर सकते हैं। अब इसकी लिड बंद कर दूंगी मैं, अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगेंगे इसको कुक होने में। साइड बाय साइड यहाँ पे मैं अपने ढोकले की टेम्परिंग बना रही हूँ, यानी कि जो तड़का हम उसके ऊपर डालते हैं। एक पैन को मैंने गैस पे रख दिया है, सिर्फ 1 स्पून यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं यूज करेंगे हम। अब इसमें मैं डाल दूंगी राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, ये आ गई राई, डाल दिया हमने। अब ये थोड़े से स्प्लटर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग यानी कि एसाफोटिडा।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम, हल्का सा फ्राई कर देंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, अराउंड 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 स्पून हनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हनी डाल रही हूँ मैं। इसको मिक्स कर देंगे। अब सारे के सारे फ्लेवर्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं, खट्टा भी, मीठा भी, सॉल्टी भी और तीखा भी। बहुत ही अच्छी सी हमारी टेम्परिंग बनने वाली है और यही हमारे ढोकले के टेस्ट को जो है वो बहुत एनहांस कर देगी। अब देख लेते हैं हमारे ढोकले का क्या हाल है। 15-20 मिनट्स हो गए हैं, स्टीमर खोल लेते हैं हम। एंड वाओ, लुक एट दिस, ढोकला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक नाइफ की हेल्प से हम चेक करेंगे। नाइफ को जब हम अपने ढोकले में डालेंगे और बाहर निकालते हैं, अगर उसके ऊपर कुछ भी स्टिक नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा ढोकला बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हमारा ढोकला जो है वो ठंडा हो गया है, अराउंड 15-20 मिनट्स हो गए हैं। इसको टर्न कर देते हैं और हमारा ढोकला जो है वो प्लेट में बहुत ईजिली निकल आएगा। अब इसको कट कर देते हैं। आप अपने जो भी आपका फेवरेट डिजाइन है उसके हिसाब से आप इसको कट कर सकते हो, जो भी आपको साइजेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हो। मैं इसको स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ। आप देख रहे हो ना कितना स्पॉन्जी बना है मेरा ढोकला, आप भी बनाओ इसको। अब इसकी जो टेम्परिंग हमने रेडी करी थी उसको हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे, पूरा स्प्रेड कर देंगे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा इससे हमारा ढोकला बिल्कुल अंदर तक, और इसको एक बहुत अच्छी सी प्लेट में हम सर्व कर देंगे। और अराउंड इतने बड़े 3 to 4 पीसेस आप खा सकते हो ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में। और मज़े की बात तो ये है कि इतना टेस्टी है ये, और उसके बावजूद आपको बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस भी देगा ये। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है, मैंने बनाया है, आप भी बनाइए अपने घर में और इसको ज़रूर खाइए और इसके साथ वेट लॉस करिए, बहुत मजा आएगा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो गाइज़ ये है हमारा हेल्दी वेट लॉस ढोकला, इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में बहुत आराम से ले सकते हैं और ये आपको देगा सुपर वेट लॉस। और ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन है और इसके अंदर है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो वेट लॉस के लिए हेल्दी ढोकला ज़रूर खाइए, इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो आपको देती है सुपर वेट लॉस। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे जरूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून टू माई चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।